घाटे में डूबे बैंकों की हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। केंद्र सरकार 4 सरकारी बैंकों के विलय की तैयारी में है। अपने इस प्लान के तहत केंद्र सरकार IDBI, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मिलाकर एक बड़ा सरकारी बैंक बनाएगी। अगर सरकार अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब होती है तो इन चारों बैंकों के मर्जर के बाद बना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। इन बैंकों के मर्जर के बाद बने नए बैंक की कुल संपत्ति 16.58 लाख करोड़ आकी जा रही है। 2008 में इन बैंकों का कुल घाटा 22,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जिस वजह से केंद्र सरकार के लिए ये विलय जरूरी हो गया है। मर्जर के बाद नए बैंक में सबसे कमजोर कड़ी अपनी संपत्ति आसानी से बेच सकेगी और घाटे की भरपाई की प्रक्रिया को शुरू कर सकेगी। इसके अलावा बैंक अपने घाटे से उभरने के लिए उन ब्रांचों को बंद कर सकेगी जहां से मुनाफा नहीं कमा पा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों की छटनी भी कर पाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक को SBI में मर्ज कर दिया था।